सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज 5 मई 2023 को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आज की रात लगेगा चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं कि कितने बजे लगना है, कितने बजे तक लगेगा और क्या पीक टाइमिंग्स होंगे, कहाँ कहाँ लगेगा। तो बहुत सारी इस तरह की क्वेरीज आ रही थी, तो सोचा कि इसके लिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक्ट। आज लग रहा है चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स, और आज का जो चंद्र ग्रहण है वो तुला राशि में स्वाति नक्षत्र पे लगने जा रहा है। ओके सो होना क्या है कि लगेगा ये 8:45 रात को शुरू होगा और 1 बजे तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। 10:50 पे ये बहुत पीक पे होगा। और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो बोला जाता है कि बाहर ना जाएं, बाहर ना देखें। वैसे आप नेकेड आईज से देख सकते हैं चंद्र ग्रहण को, पर देखना क्यों है। ओके सो ये इंडिया में यानी भारत में जो चंद्र ग्रहण है ये पूरी तरह से ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए बोला जा रहा है कि सूतक नहीं मानेंगे। तो देखिए, जब सोलर एक्लिप्स लगता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो जो सूतक है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक का मतलब इस समय में यानी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है सोलर एक्लिप्स का, और उस समय के बीच में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते और मंदिर के जो द्वार हैं उनको बंद कर देते हैं। तो इसी तरह से जब लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पहले हम मानते हैं कि सूतक शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से इसके 9 घंटे पहले यानी समवेयर अराउंड मॉर्निंग में यानी आफ्टरनून में आप 12:15 से अपने मंदिर के द्वार बंद कर सकते हैं। और लेकिन क्योंकि दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो लोग मान रहे हैं क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है, पूरी तरह से जो पृथ्वी की छाया है वो नहीं उसको कवर करेगी, तो इसलिए माना जा रहा है कि उपछाया चंद्र ग्रहण है तो इसका असर इतना नहीं होगा। पर देखा जाए तो पूरे संसार में, सृष्टि में ये जो चेंजेस, ये जो कॉस्मिक चेंजेस होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हमारी लाइफ स्पेस का इफेक्ट तो होता ही है, इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो आप जिस तरह से मानना चाहें इसको मानें। सूतक को अगर आप मान के अपने मंदिर को बंद करना चाहें और कोई भी ऑस्पिशियस कार्य इसके बीच में, शुभ कार्य ना करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, अब बात यह है कि चंद्र ग्रहण से इम्पैक्ट क्या आता है। देखिए, जो मून है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, इमोशंस को, क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को। तो जब ये जो हेल्थ है हमारी, मेंटल हेल्थ, ये पूरी तरह से इम्पैक्ट होती है मून से। तो इस समय जब चंद्र को ग्रहण लगने वाला है तो इस समय आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हो सकता है किसी को थोड़ा सा एंग्जाइटी फील हो सकता है किसी को थोड़ा डिप्रेस फीलिंग हो सकता है कि किसी को नींद आने में प्रॉब्लम हो। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो आपको क्या करना है, आपको इन जनरल आई एम टेलिंग यू एवरीबॉडी कैन डू दिस, कि इस समय आप चैंटिंग करें शिवा की। ओके, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए और आपको बहुत एक सुकून मिलेगा, बहुत ही आपके मन को, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बहुत एक कामनेस की फीलिंग होगी। सो दिस मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। ओके सो जब वो ग्रहण चल रहा होगा या उसके पहले भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े कुछ कॉस्मिक चेंजेस हो रहे होते हैं यूनिवर्स में, तो उनके जो इम्पैक्ट्स हैं वो शुरू भी पहले हो जाते हैं और बाद में ख़त्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि चंद्र ग्रहण 1 बजे ख़त्म हुआ और सब कुछ बैक टू नॉर्मल, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे जाता है। तो इसीलिए अगर आप लोग ये मेडिटेशन कर सकते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छा है। और ध्यान लगाइए उस समय, उसके पहले लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी लेट तक जागना है, पर उसके पहले यानी कि 3-4 घंटे पहले जब आप उठे हुए हैं उस समय आप ये चैंटिंग कर सकते हैं। और जिन लोगों को ऑलरेडी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी ऐसा उनको लगता है कि हम ऐसा फील कर रहे हैं,
सो देखिए उनके लिए इस समय कोई भी टाइप्स के डिसीजंस, बड़े डिसीजंस लेना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं होगा, और बाहर जाना तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है वैसे तो सभी के लिए, परंतु जिन लोगों को ये शिकायत है कि हमें बहुत सैड फील होता है, डिप्रेशन लगता है या एंग्जाइटी रहती है, तो प्लीज़ उन लोगों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा उससे बोली गई वार्निंग है कि प्लीज़ आप लोग मत जाइए बाहर, कोई बड़े डिसीजंस मत लीजिए, और ट्राई कीजिए जितना हो सके ध्यान लगाइए, मेडिटेट कीजिए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, महामृत्युंजय का मंत्र आप कर सकते हैं, ये बहुत बहुत मन को, आपके मेंटल हेल्थ को पीस और काम करने वाला है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, और इसके साथ आज के दिन ट्राई कीजिए कि वाइट कलर के क्लोथ्स वेयर कीजिए, जिससे आपको एक शांति और पीस का अनुभव होगा। सो ये तो चंद्र ग्रहण के बारे में बताया, और रिलेटेड टू, क्योंकि चंद्र जो मून है, मैंने बताया आपको, ये हमारे इमोशंस, हमारी मेंटल हेल्थ और इन सब चीज़ों को, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इन सब से सबको रिप्रेजेंट करता है। सो बहुत सारे हमारे पास में क्वेरीज पीछे आए कि डिप्रेशन से लेकर, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिप्रेशन एंड द काइंड ऑफ इमोशंस विच आर रिलेटेड टू मून। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, चैंटिंग कीजिए, ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए, और ये सारी चीज़ें जो अगर आप फील करते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी या सैड या डाउन या मूड स्विंग्स, उस सब के ऊपर कंट्रोल कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ग्रेट डे।